तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका रीटेक्निकल मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की मैं इस वीडियो में आपको आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी भी फ़ोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। एक वेबसाइट है और वहीं पे उसकी जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे डाल सकते हैं। और अगर तभी भी आप डाल नहीं पाते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बिल्कुल खुला है, जो मर्जी कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर। और आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आप अपना फ्लैश फर्मवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपना फ्लैश फर्मवेयर डाउनलोड करना है तो ये मेरा वीडियो देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम, आप देख रहे हैं री टेक्निकल कम लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे न्यू टैब खोलिए या पहले पुराना उस पर कर सकते हैं। गूगल खोलना पड़ेगा, गूगल। तो यहाँ से मैं गूगल पे गया। गूगल पे जाने के बाद अब वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी कंपनी का फर्मवेयर चाहिए। अगर आपको कोई भी चाहिए तो आप एक ही साइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है firmwarefile.com। मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा और आप गूगल से भी जाके कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सबसे पहले वाली साइट पे जाना है। सबसे पहले वाली साइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम लिखे होंगे, जैसे HTC, मैक्सिमम, लेमन, कार्बन, लावा, लेनोवो, पैनासोनिक, सैमसंग, सिंट्रॉनिक, स्पाइस, वाइप। आपको किसी भी अगर फोन का फर्मवेयर चाहिए, आप सपोज कीजिए मुझे इसे कूलेट का फर्मवेयर चाहिए, तो कूलेट के फर्मवेयर में जाके मैं, जैसे मेरे को सपोज कीजिए कूलपैड नोट 3 लाइट का चाहिए, कूलपैड नोट 3 लाइट पे, कूलपैड नोट 3 लाइट पे जाने के बाद ये आता है आपका कूलपैड नोट 3 का जो फर्मवेयर वर्जन है 8.2.8 वर्जन 15 और .100 जिप। ये फाइल जो है ये आपको हर जिप फाइल मिलेगी। इस फाइल पे आगे आप गूगल ड्राइव, आप जो है गूगल ड्राइव पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड एनीवे करना तो आपके आपके फोन का सॉफ्टवेयर फर्मवेयर यहाँ से मिल जाएगा। आप इजी किसी फोन का कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले यहाँ पे किया। अब बात ये है कि फ्लैश कैसे करें, तो वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप यहीं पे जाइए, जो सा फेमस, जैसे मैंने कूलपैड नोट 3 लाइट का डाउनलोड करा है, आप यहाँ पे जाइए। उसके बाद आपको दिखाई देगी यहाँ पे आउटलाइन। अगर आप एक्सपीरियंस, आप पहली बार फ्लैश नहीं कर रहे तो आपको ये पढ़ के आप कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको सी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा विद इमेजेस। और अगर आपको कोई भी फ्लैश नहीं होती, फ्लैश नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा चैनल देख रहे हैं आप, किसी भी वीडियो पे जाइए, अशिंग की जो वीडियो उस पर जाइए, कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे हो सकता है और आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अब यहाँ आपने कर दिया कि सी डिटेल्स इंस्ट्रक्शन, उसके बाद ये आपको इमेजेस के साथ दिखाया। तो ये तो बहुत ही अच्छी तरीका है कि इमेजेस के साथ तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आप अपना फोन फ्लैश कर रहे हैं, आप कर ही लेंगे। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है तभी भी आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं आंसर जरूर दूंगा और जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। और तो ये बहुत अच्छी साइड है, मैं इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। उसके बाद आपको बस ये करना है, फाइल आपने डाउनलोड कर ही ली पहले, तो उसके बाद आप अपना फोन खुशी खुशी ठीक कीजिए, यानी कि इस पे सॉफ्टवेयर फ्लैश कीजिए। और अगर आप सोच रहे हो कि ये नॉर्मल रिस्टोर है, अगर आपका फोन हार्ड ब्रिक भी हो चुका है तब भी है, इसी मेथड से रिस्टोर हो जाएगा। कुछ चेंजेस होते हैं जो कि मैं आपको अपने आने वाली वीडियो, या आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज में दिक्कत है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो इससे ज्यादा तो मैं और कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ये चैनल देख रहे हैं आप, लाइक और शेयर करना ना भूलें इसको। और जो ये रेड कलर का निशान आ रहा है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे कर्सर है। और आप मेरे को यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन पे भी फॉलो और सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो की दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप तक अभी तक आपने रिटेक्निकल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे रोजाना टेक वीडियोज लाता रहता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि आप अपने फोन में कैसे सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। तो धन्यवाद।